ओडिशा से बोरई के रास्ते अन्य राज्यों में गांजा की तस्करी जमकर हो रही है। धमतरी जिले की बोरई पुलिस ने एक कार से 27 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया है। बोरई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बोरई के सामने बैरियर नाके के पास संदेह के आधार पर ओडिशा की तरफ से आते एक सफेद रंग की डिजायर कार रोककर जांच की। इस दौरान कार की डिक्की से 5,46,000 रुपए कीमत का 27 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त कर कार में सवार हरियाणा निवासी सोमवीर शर्मा और विकास शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद जिले की साइबर सेल व सरायपाली थाने की पुलिस मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम कुटिला के लालचंद मांझी के मकान में एक कमरे के अंदर से 10 लाख रुपए कीमत की 170 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब जब्त कर तीन आरोपी लालचंद मांझी, अजीत पटेल और अमित पटेल को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा तमनार सड़क पर देवगढ़ के पास पिकअप और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है 25 से 30 साल का नौजवान युवक अपनी HF डीलक्स बाइक में सवार था। गाड़ी नंबर से युवक का पता लगाया जा रहा है। रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गोविंद सारंग परिसर में एक कार सवार ने राइफल से फायरिंग कर दी। पुलिस खबर पाकर मौके पर पहुंची तो कार में एक व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ में उसने अपना नाम उमेश सिंह बताया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 20 से ज्यादा गोलियां और 315 बोर की राइफल मिली है। उमेश ने बताया कि बेवजह उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया है। पहले पेट की आग ने महिला को पलायन करने पर मजबूर किया, फिर इस मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ हैवानों ने उसे अपने हवस का निशाना बना लिया। रोजगार की तलाश में महिला पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर आई थी, लेकिन पेट की आग बुझाने आई इस महिला को अपनी आबरू गंवानी पड़ी। चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के हरदी बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के लोटनपाड़ा उतरदान निवासी मनमोहन राठौर की दुकान के गोदाम में 10 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों रंजीत पात्रे, सैल कुमार, अमित और रवि कुमार बंजारे, संतोष कुमार को गिरफ्तार कर चोरी के सामान सहित चोरी में प्रयुक्त पिकअप को जब्त कर लिया है। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में तीन युवकों ने मिलकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। वे रात को आने जाने वाले लोगों से लूटपाट किया करते थे। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तब उन्होंने इन आरोपियों की जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। बच्चे का बर्थडे केक लेकर युवक अपने परिवार के साथ घर जा रहा था, तभी सामने से आई बाइक से उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे पिता अजय पटेल व पुत्र हिमांशु की मौत हो गई। हादसे में दूसरे बाइक का चालक भी घायल हुआ है। रायगढ़ सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने रायगढ़ में कबीर चौक स्थित सहारा इंडिया शाखा के तत्कालिक शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा व अन्य के विरुद्ध सहारा इंडिया की विश्वसनीयता एवं निवेश प्रोग्राम के संबंध में विज्ञापन दिखाकर 40 लाख रुपए निवेश कराकर धोखाधड़ी कर हड़प लिए जाने के मामले में शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दस बारह जनवरी की मध्य रात्रि चंद्रपुर में नगर पंचायत के पार्षद मुकेश देवांगन के घर में घुसे चोर लाखों रुपए के जेवरात और नगद ले गए। सक्ती जिले की सारंगढ़ पुलिस ने हफ्ते भर के भीतर ही चोरी के आरोपी और चोरी के जेवर खरीदने वाले शख्स समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 50 लाख रुपए से अधिक का सोना, जेवरात और नगद रकम बरामद की है। जगदलपुर में भाजपा जिला महामंत्री की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव सोमवार को घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे पड़ा मिला। भाजपा नेता की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर SDOP सहित पुलिस फोर्स मौके पर रवाना हो गए थे। कवर्धा जिले के नगर पंचायत लोहारा उपचुनाव के लिए पार्षदों की वोटिंग आज मंगलवार को होनी है, लेकिन इस बीच सोमवार को एक नया मोड़ आ गया। दरअसल भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने आरोप लगाया है कि सोमवार से उनके भाजपा समर्थित 7 पार्षद गायब हैं, सभी पार्षदों का मोबाइल बंद है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा ने लोहारा थाना में शिकायत दर्ज कराई है।
राजधानी रायपुर के पंडित थाना क्षेत्र के दलदल सिंह शिवाजी नगर में सोमवार की रात कुछ युवक बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान आपसी रंजिश को लेकर गोकुल निषाद का गोकुल साहू के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद गोकुल साहू ने चाकू से गोकुल निषाद के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही एंटी क्राइम यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान आरक्षक विधेयक 2022 के संबंध में चर्चा करते हुए अनुमोदन की अनुशंसा की गई। साथ ही नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भालुओं का आतंक लगातार जारी है। जिले में भालुओं ने कुम्हारी डैम से नहाकर घर वापस आ रहे 3 लड़कों पर हमला कर दिया। भालुओं के हमले में एक लड़का शिवराज गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। भालुओं के हमले से घायल बच्चों का नाम शिवराज, उमेश और परसाराम है। बिलासपुर जिले के कोटा स्थित पेट्रोल पंप में लूट के इरादे से गोली चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूर्व में भी तुर्काडी अंडरब्रिज के पास एक स्टेशन मास्टर को कटर दिखाकर नगद रकम, मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। दंतेवाड़ा जिले में शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस के 2018 में चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए वादे नियमितीकरण मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सामूहिक हड़ताल शुरुआत की है। 5 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन कर्मचारी कोल्हू का बैल बनकर और चित्र के माध्यम से प्रदर्शन किया। बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाके फुंडरी में इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण का काम चल रहा है। इस पुल निर्माण काम का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। रविवार से 11 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने इंद्रावती नदी के किनारे राशन बर्तन लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति से नदी पर पुल बनाने का काम किया जा रहा है, इस काम को बंद किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य सीमावर्ती इलाके पैरामिली थाना क्षेत्र से लगे बेडमपल्ली में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद जब जवानों ने वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया तो भरमार बंदूक, पिस्टल, वॉकी टॉकी, चार्जर और अन्य बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद हुई है। बिलासपुर में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और उसके परिवहन को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में लगी 20 वाहनों को खनिज विभाग ने जब्त किया है। विभाग ने इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गोरेला पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। थाना क्षेत्र के गंगापुर बालधर मुख्य मार्ग पर संदिग्ध परिस्थितियों में टीकाराम भानु नामक युवक खून से लथपथ मिला था। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में पुलिस ने गांव के युवक अंकित सोनी को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू को जब्त कर लिया है। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में एक कार की टक्कर से स्कूटर सवार स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और स्कूटर दोनों के परकच्चे उड़ गए। गंभीर रूप से घायल छात्र मालिकराम सपाहा को पाटन पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग जिले की मोहनगर थाना पुलिस ने गांजा तस्करी की एक चेन को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जीआरपी दुर्ग के 2 सिपाही विकास सिंह और शैलेंद्र कुमार गांजा तस्करी कर रहे थे। उन्होंने भिंड मध्य प्रदेश में एक कोची आकाश भतोरिया को गांजा देने के लिए दुर्ग बुलाया गया था। मुखबिर से इसकी जानकारी मिलने के बाद मोहनगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 16 किलो गांजा जब्त किया गया।